What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Stellar Family. जिस purpose के लिए आप लोगों ने ये वीडियो खोली है 100% गारंटी देता हूँ वो purpose आप लोगों का कंप्लीट होगा. पर लेकिन एक छोटा सा प्रोमिस आप लोगों को मेरे साथ करना पड़ेगा कि जो भी बातें इस वीडियो में एंड तक मैं आप लोगों को बताऊंगा वो सारी बातें आप लोग आज से ही इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे. यानी कि पोस्टपोन नहीं करना है. आज नहीं कल से करेंगे, कल नहीं परसों से करेंगे, फिर आप लोग दो दिन में भूल जाएंगे और फिर ऐसे ही होंगे जैसे इस ये वीडियो देखने से पहले थे. तो ये प्रोमिस आप लोग कीजिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ हम प्रोमिस करते हैं और तभी ये वीडियो आप लोगों को आगे देखनी है, वरना वीडियो यहीं पर ही बंद कर दीजिए. अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आप लोगों ने अब तक देखी होगी. तो ये प्रोमिस कर ही आप लोग को आगे बढ़ना है. ये वीडियो में मैं स्टार्टिंग में आप लोग कुछ टिप्स बताऊंगा कि आंसर राइटिंग में आप लोगों को करना क्या क्या है, फिर आप लोगों को पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि इस प्रोसीजर में आप लोगों को ढलना कैसे है. देखिए अगर आप लोग बीमार हो चुके हैं ना तो दवाई खानी ही पड़ेगी आप लोगों को ठीक होने के लिए, भले ही वो आप लोगों को अच्छी लगे या फिर बुरी लगे. तो इसी तरीके से आंसर राइटिंग का एक प्रोसीजर है. बच्चा पैदा 9 महीने में होता है, क्या आप लोग उसको 1 या 2 महीने में कर सकते हैं? तो ये एक तरीके की आदत है, ये एक तरीके की कला है. जो प्रोसीजर मैं आप लोगों को यहां पर बताने जा रहा हूं वो प्रोसीजर अगर आप लोग इंप्लीमेंट करेंगे तो 100% आप लोग ये कला सीख पाएंगे, वरना जिस फेज में उसी फेज में रह जाएंगे अगर वो बातें आप लोग इंप्लीमेंट नहीं करेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं कुछ टिप्स के बारे में, इसके बाद में फिर मैं आप लोगों को प्रोसीजर बताऊंगा, पूरा ढांचा कैसे है वो सारा समझाऊंगा, उदाहरण दे देकर समझाऊंगा सारी बातें ताकि आप लोग अच्छे से उसको समझ सके. एक छोटा सा काम और कीजिए, A4 साइज की शीट ले लीजिए और उसमें जो बातें आप लोगों को इस वीडियो में नहीं लगती हैं, आप लोगों को नहीं पता है, वो बातें आप लोग लिख लीजिएगा एक्स्ट्रा अपना, और लिखकर उसको एक किसी टेबल पर जहां पर बैठ के आप लोग पढ़ते हैं टेबल चेयर पर, उसके सामने उसको चिपका लेना कि ये बातें मुझे इंप्लीमेंट करनी है. तो सबसे पहले कुछ बात करता हूं इंपॉर्टेंट टिप्स आंसर राइटिंग के लिए वो क्या क्या है, इसके बाद में फिर प्रोसीजर देखेंगे. सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम में आप लोगों को ऐसे लिखना है या फिर आंसर राइटिंग करनी है तो उस एग्जाम की सबसे पहले आप लोगों का सिलेबस देखना है. सिलेबस आप लोगों को पता होना चाहिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है. सिलेबस ही आप लोगों को गाइड करेगा कि आप लोगों को पढ़ना क्या है. दूसरा सबसे बड़ा जो गाइड करने वाला फैक्टर है वो क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. सबसे पहले ये दो चीजें आप लोग देखिए उस एग्जाम की, जिस एग्जाम के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं. अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी के लिए, अगर आप लोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए, या फिर किसी और भी एग्जाम के लिए. ये तो आप लोग अपने प्रीलिम्स के लिए भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. बहुत सारे लोग दो दो तीन तीन साल तैयारी करते हो जाता है, उनको ये नहीं पता होता कि सिलेबस क्या है उनका. तो ये आप लोग पूरा फोकस देकर चलना है. पॉइंट नंबर 2 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा वो ये है, अगर आप लोग यहां पर एक अच्छा आंसर लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. यानी कि एक्चुअल में क्वेश्चन चाहता क्या है, जब तक आप लोग वही नहीं समझेंगे तो फिर आप लोग कैसे उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे. पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा और वो अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होगी वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा. तो ये आप लोगों को पहले चीजों को समझना पड़ेगा उस क्वेश्चन को लिखने के लिए. दूसरी बात, उस क्वेश्चन में कितनी वर्ड लिमिट है वो आप लोगों को समझनी पड़ेगी. यानी कि एक तरीके से वर्ड लिमिट बोलूं या फिर मैं आप लोगों को बोलूं टाइम लिमिट, क्योंकि दोनों आप लोगों को एक साथ में सेट करनी पड़ेगी. मैं उदाहरण देकर आप लोग यहां पर यूपीएससी का समझाऊंगा, आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से आप लोग उसको सेट कर सकते हैं. देखिए अगर यूपीएससी के हिसाब से हम लोग बात करें, जैसे अभी आप लोगों ने क्वेश्चन देखे होंगे, जो क्वेश्चन पेपर उठा के देखे होंगे, तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो क्वेश्चन है उसमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. कोई 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, कोई आप लोगों को दूसरे मार्क्स का देखने को मिलेगा, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को नजर आते हैं. मैं यहां पर एक उदाहरण देता हूं, ये कई सारे बच्चे पूछते भी हैं तो आप लोग कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा. 15 वर्ड पर मार्क्स आप लोगों को लिखने हैं, यानी कि एक मार्क्स के लिए आप लोगों को लगभग 15 शब्द लिखने हैं. ठीक है, तो 15 शब्द वो ऐसे होने चाहिए कि अगर इंसान कोई पढ़े तो उसके जहन में उतर जाए कि हाँ यार वाह क्या शब्द लिख दिए हैं. और ये कैसे होगा, ये होगा उस प्रैक्टिस की वजह से, और वो प्रैक्टिस में आप लोगों को बताऊंगा कैसे होगी. इसी के साथ में पहले आप लोगों को यहां पर ये पता होना चाहिए, मान लीजिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, 10 मार्क्स का क्वेश्चन जैसे आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं, ये यहां पर एक ऐसी यूपीएससी के द्वारा एक स्पेसिमेन है जिसमें आप लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं. एक सजेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, यहां पर अगर आप लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये पूरी जो भी यहां पर आप लोगों के सामने कॉपी दिख रही है ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर भी, ये टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करा दूंगा, जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना और इसकी फोटो कॉपी निकाल लीजिए. यानी कि इस तरीके की आप लोगों के पास में कॉपी होनी चाहिए जहां पर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, तो ये बात आप लोग बिल्कुल माइंड में क्लियर कर लीजिए, तभी आप लोग चीजों को उसी लेवल पर जाकर प्रैक्टिस कर पाएंगे जिस लेवल पर एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा रही है. ठीक है, तो ये बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा. तो जैसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं 150 शब्द का एक क्वेश्चन है और यहां पर 10 आप लोगों के लिए मार्क्स दे रखे हैं, तो इसी के बारे में मैं यहां पर बात कर रहा हूं. तो यहां पर आप लोग क्या करना है,
अगर 150 वर्ड का आप लोगों को यहां पर क्वेश्चन लिखना है तो 10 मार्क्स का है, तो इसका मतलब आप लोगों को 15 वर्ड पर मार्क्स लिखने हैं। और अगर अप्रोक्सीमेट आप लोग यहां पर लगा के चलेंगे मोटे मोटे तौर पर, तो 6 मिनट में आप लोगों को क्वेश्चन कंप्लीट करना पड़ेगा अपनी टाइम लिमिट के हिसाब से। इसी के साथ में 1 मिनट में लगभग 15 शब्द आप लोगों को लिखने हैं। तो यहां पर एक तरीके से मैं बोलूं तो आप लोगों को एक अपने आप को एक ऐसे फ्रेमवर्क में तैयार करना है जो फ्रेमवर्क आप लोगों को यूपीएससी के एग्जाम में आप लोग बैठेंगे उस टाइम पर आप लोगों को इंप्लीमेंट करना है। तो ऐसा तो है नहीं कि आज मैं आप लोगों को बोलूंगा कल ही इंप्लीमेंट हो जाएगा, कल ही डेवलप हो जाएगा, नहीं, ये टाइम लगेगा। और वो टाइम ड्यूरेशन कैसे होगा और किस फेज में आप लोग क्या क्या करना है उसके बारे में आगे बात करूंगा। नेक्स्ट बात जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहां पर यह है कि आप लोगों को जो राइटिंग रखनी है ना वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में रखनी है, वैसे बोलूं तो लेमैन लैंग्वेज में, यानी कि अगर कोई नॉर्मल इंसान भी पढ़ के उसको समझना चाहे तो उसको समझ सके। जैसे कि जैसे एनसीआरटी आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो एनसीआरटी का बेसिक फंडा ये होता है कि कोई भी उसको पढ़ने बैठ जाए तो वो समझ जाएगा। तो एनसीआरटी जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं तो एनसीआरटी की लैंग्वेज में ही आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये आप लोगों के लिए एक तरीके से उदाहरण भी है कि हाँ किस तरीके का हमारा आंसर होना चाहिए, किस तरीके के वहां शब्द होने चाहिए। अगर आप लोग बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलते हैं सेसी थ्रू टाइप की, तो आप लोगों को वो शब्द यूज नहीं करने हैं, ठीक है। पता चला एग्जामिनर को उसका मीनिंग ही नहीं पता है, वो डिक्शनरी लेके तो वहां पर बैठेगा नहीं, समझ नहीं आया तो बिल्कुल वहां पर मार्क्स कट होंगे आप लोगों। और आप लोगों को बिल्कुल एक ऐसी लैंग्वेज में लिखना ताकि अगर आप लोग किसी और को पढ़ाना चाहें तो वो भी उसको अंडरस्टैंड कर सके। तो एनसीआरटी की लैंग्वेज सबसे बेस्ट है, एनसीआरटी की लैंग्वेज में आप लोग लिखो, ठीक है। या फिर आप लोग थोड़ा सा अपना न्यूज़पेपर की लैंग्वेज में उसको डाल सकते हो, जो कि न्यूज़पेपर जिसे हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कस करते हैं, तो उसमें जो भी आप लोगों को जो समझ में आता है तो उस तरीके की लैंग्वेज जो अंडरस्टैंडेबल हो, उसमें भी कई बार कई हाई फाई जो होता है राइटर वो कई अच्छे अच्छे चीजें लिख देते हैं, कई अच्छे अच्छे हाई फाई वर्ड लिख देते हैं, पर आप लोगों को नॉर्मल वर्ड लिखना है जो कि डे बाय डे के यूज के शब्द होते हैं। पर लेकिन जो क्रिटिकल शब्द होते हैं, जो खासकर जैसे डेमोक्रेसी की बात हो गई, सेक्युलरिज्म की बात हो गई, या कुछ ऐसे शब्द हैं उनके बारे में तो पता ही होना चाहिए। खैर उनकी बात नहीं कर रहा हूं कि उनके लिए भी कोई अल्टरनेटिव ढूंढना है, पहली बात। दूसरी बात यहां पर क्या होता है, नॉर्मली कोटेशन से आप लोग क्वेश्चन की स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आंसर लिख रहे हैं या फिर कोई एसे लिख रहे हैं तो कोटेशन एक अच्छी चीज मानी जाती है, कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्लाइमेट चेंज के बारे में आ गया, ठीक है, पृथ्वी पर जो रिसोर्सेज का दोहन आ रहा है उसके बारे में आ गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आ गया, तो आप लोग ऐसी कोटेशन यहां पर स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी की कोटेशन आप लोग देखिए, सीधा सीधा बोला गया है, देयर इज एनफ ऑन अर्थ फॉर एवरीबॉडी अगर आप लोगों को नीड है, यानी कि यहां पर बोला गया कि यहां पर एनफ रिसोर्सेज है अर्थ के ऊपर अगर आप लोगों की नीड है, बट नॉट एनफ फॉर एवरीबॉडी इज ग्रीड, यानी कि अगर आप लोग लालच में हैं तो आप लोगों के लिए एनफ नहीं है। तो महात्मा गांधी जी की कोटेशन है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं एक तरीके से कि हाँ भैया ये कोटेशन है उससे मिलती जुलती, पर लेकिन ऐसा होना चाहिए कि उससे मिलती जुलती कोटेशन होनी चाहिए, यानी कि आप लोग पता नहीं क्या क्या करते जा रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं होगा। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप लोगों के मार्क्स कटेंगे। इसके लिए आप लोगों को आज से ही अगर आप लोग WhatsApp यूज करते हैं या फिर आप लोग किसी को SMS करते हैं या आप लोग मुझे भी कई बार मेल लिखते हैं Facebook वगैरह पर या कुछ भी आप लोग कहीं पर भी लिखते हैं, तो आप लोगों के जो शब्द होने चाहिए ना वो शॉर्ट फॉर्म के शब्द नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ भी लिखना है तो गुड नाइट लिख दिया तो GY बना दिया, या फिर कुछ भी गुड मॉर्निंग बना दिया GM बना दिया, नहीं, पूरे शब्द लिखो। ये आप लोगों को आज से अपना एक तरीके से ये आदत बनानी है, क्योंकि आप लोग छोटे शब्द यहां पर लिखोगे ना तो जैसे एग्जाम में जाकर बैठोगे तो आप लोगों को छोटे ही शब्द याद आएंगे। तो पूरे शब्द लिखना स्टार्ट कर देने हैं आज से आप लोगों, चाहे SMS लिख रहे हैं, चाहे आप लोग किसी को WhatsApp कर रहे हैं, चाहे आप लोग किसी को मेल लिख रहे हैं, या आप लोग किसी से किसी तरीके का कन्वर्सेशन कर रहे हैं ऑनलाइन, तो फुल शब्द आप लोगों को लिखने हैं। ये एक फैक्ट है, इंप्लीमेंट करोगे तो फायदा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट बात, डायग्राम की जहां भी जरूरत होगी वहां पर आप लोग डायग्राम बनाइए। अगर मान लीजिए आप लोगों से पूछा गया है कि हमारी कंट्री में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करूं कि ये रिसोर्सेज कहां पर पाए जाते हैं, कोयले की बात कर दी, अगर ऑयल की बात करी कि हमारी कंट्री किस किस कंट्री से ऑयल इंपोर्ट करती है, तो अगर आप लोगों के पास में टाइम नहीं है ढंग से समझाने का तो चार्ट बनाइए, तो लगा दिए उसके ऊपर कि सबसे ज्यादा इराक से, फिर सऊदी अरेबिया से, फिर किसी और कंट्री का नाम, तो मैप में एक मैप लीजिए, एक रफ सा मैप बनाइए और उसमें वहां पर उसको मेंशन कर दीजिए 1, 2, 3 इस तरीके से। तो इस पे एकदम एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ बंदे को पता है। तो ये क्या होता है, यहां से आप लोग अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं और एक प्रॉपर एक आप लोग अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करा सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को एक मैप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैप प्रैक्टिस कैसे, एक तो इंडिया का मैप बनाना आना चाहिए आप लोगों रफ, आप लोगों को पेंटिंग करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, रफ मैप। दूसरा, एक वर्ल्ड का रफ मैप आप लोगों को पता होना चाहिए। ये कब, ये कैसे होगा, ये आप लोगों को बार बार बना बनाकर देखना पड़ेगा, ये रियलिटी बोल रहा हूं आप लोगों को। अगर इसको आज ही सीख लेंगे और आगे से इसको यूज करना स्टार्ट कर देंगे, बहुत ज्यादा
फायदा देखने को मिलेगा। एक तो इंडिया का मैप आप लोग सीख लीजिए, स्टार्टिंग में नहीं बनेगा, ट्राई करेंगे फिर गलत होगा, फिर ट्राई करेंगे फिर गलत होगा, एट द एंड ऑफ द डे आकर एक ढांचा आप लोग बना ही लेंगे। तो इस तरीके से एक तो आप लोग को वर्ल्ड का ढांचा बनाना है मोटे मोटे तौर पर कि हाँ इस तरीके से आप लोग ऐसा करके, तो इस तरीके से मतलब एक ढांचा से ऐसा खींच देना है बस आप लोगों को, ठीक है। इसी तरीके से इंडिया का मैप तो आप लोग अच्छा बना सकते हैं, हमारी प्यारी कंट्री है, तो इस तरीके से ये नहीं कि मैं बिल्कुल कह रहा हूं बिल्कुल एक्यूरेट ऐसा ही, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा तौर पर इस तरीके से इसको, तो ऐसे आप लोग इसको बना सकते हैं। यहां से ये अपना नेपाल कर दिया और इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैप आप लोगों को बनाना सीखना है। अगर मान लीजिए वेस्टर्न साइड में कुछ बोलना है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में कुछ बोलना है, तो आप लोग उसको मेंशन कर सकें। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोगों को बनानी पड़ेगी। कहीं पर आप लोगों से अगर सेक्टर्स के बारे में पूछा गया कि हमारी कंट्री में जो सेक्टर है वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस तरीके का आप लोगों को जरा सा टाइम लगेगा। एक इस तरीके से आप लोग डायग्राम बना सकते हैं, एक ऐसे लाइन खींचनी है, ऐसे लाइन खींचनी है, आप लोगों को दिखा देना है कि ये सर्विस सेक्टर है, ये इंडस्ट्री सेक्टर है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर है, क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी में किस तरीके से। तो रफ टाइप का इस तरीके का डायग्राम आप लोगों को बनाना आना चाहिए और ये आप लोगों को सीख लेना चाहिए अगर नहीं आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा फायदा आप लोगों को देखने को इससे मिलने वाला है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि पॉइंट की फॉर्म में लिखें या फिर पैराग्राफ की फॉर्म में लिखें। देखिए मैं तो यहां पर एक बात सजेस्ट करूंगा कि मिक्स आप लोग लिखिए, मतलब सेपरेट नहीं करना है। इंट्रोडक्शन देना है तो छोटा सा पैराग्राफ बना दीजिए दो ढाई लाइन का, और फिर उसके बाद में आप लोग पॉइंट की फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हाँ आप लोग एक आंसर अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। पॉइंट पॉइंट की फॉर्म में भी देखिए बिल्कुल कंप्लीटली, क्योंकि आप लोग ऐसे भी लिखना आगे चल के, ठीक है। तो ऐसे भी लिखना है जिस तरीके से आप लोग, तो इस तरीके से ऐसे की भी आदत आप लोगों को बनानी है। तो कोशिश ये करनी है कि मिक्स रखिए आप लोग, जिससे कि एक आदत आप लोग की डेवलप हो जाए। वैसे आप लोग कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन तो आप लोग दे सकते हैं पैराग्राफ की फॉर्म में, और अगर बात करें जो मेन बॉडी होती है उसको आप लोग पॉइंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे ये नहीं कह रहा हूं कि कहीं पर भी आप लोग चाहो तो वहां पर भी आप लोग पॉइंट लिख सकते हैं, पर लेकिन एक स्टैंडर्ड उसमें बोल रहा हूं। एक बात और बोल दूं यहां पर, कभी आप बोल रहे सर आपने ऐसे बता दिया, उसने ऐसा बोला था, देखिए सबकी बातें यहां पर डिफर कर सकती हैं। हो सकता है आप लोगों ने किसी और के लेक्चर सुने हो और आप लोग बोले सर उसने तो टॉपर ने ऐसा बताया था, तो ये बात मैं एक तरीके से एक्सपीरियंस में बोल रहा हूं। बहुत सारी वीडियो मैंने भी सुनी है और मैंने भी खुद जो आंसर राइटिंग यूज करी है और जो मुझे फायदा हुआ है, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं यहां पर आप लोगों को एक कंक्लूड करके बता रहा हूं, यानी कि वो चीजें जो आप लोगों को 110% फायदा पहुंचाएगी। तो उस तरीके से तो दोनों चीजों में लिखिए, एक पैराग्राफ भी रखिए उसमें और इस तरीके से आप लोग उसको पॉइंट ऑफ फॉर्म में भी, तो सारी चीजें लिखिए। इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरा आंसर आप लोगों को पढ़ने वाला नहीं है बैठ के, तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, एक तो हेडिंग याद रखिएगा, हेडिंग आप लोगों को लिखनी है, और दूसरा हाईलाइट कर देना है जो भी इंपॉर्टेंट टर्म आप लोगों को लगती है। बीच बीच में आप लोगों को जो भी लगता है कि ये बात मैंने इंपॉर्टेंट लिख दी, ये तो एग्जामिनर को पता ही होना चाहिए, उसके नीचे लाइन खींच दीजिए। अलग अलग पेन यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, मैक्सिमम दो पेन यूज कर लीजिए, ठीक है। पता चला हमारा रंग बिरंगे, इतना टाइम ही नहीं मिलेगा यार, ये खुद ही देख लीजिए, जो टाइम लिमिट है ना जब आप लोग बैठेंगे समझ में आप लोगों को आ जाएगा। तो मैक्सिमम दो पेन रख लीजिए, मैं तो बोलूंगा एक ही पेन रख लीजिए, और आप लोग ये पेन आप लोग कोई सा भी रख सकते हैं, बॉयल पेन भी रख सकते हैं और जेल पेन भी रख सकते हैं, जैसा भी आप लोगों को सुटेबल लगे। बस ये है कि आप लोग प्रैक्टिस के ड्यूरेशन में उस पर अपना हाथ जमा लीजिए कि हाँ आप लोग इससे अच्छे से लिख पा रहे हैं, ओके। तो ये कोशिश आप लोगों को जरूर करनी है, ठीक है। इसी के साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट यहां पर हो गया, ये है कि जैसे ही आप लोगों को लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग नहीं दे पाएंगे, एकदम इमीडिएटली उस क्वेश्चन को छोड़ दो। पहले आप लोग पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करो, जो क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करना चाहते हैं, यानी कि जिसका आंसर आप लोगों को पता है, जब आप लोगों के पास में एंड में टाइम बच जाए तब उस क्वेश्चन की ओर आप लोगों को आना है। ये तो है कुछ टिप्स जो कि आप लोग इंप्लीमेंट करने हैं, और ये टिप्स अगर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो देखिए जहां पर आज हैं वहीं पर ही रहेंगे। अभी आप लोग डिसाइड कीजिए वहीं पर ही रहना है या फिर आप लोग अपने आप को इंप्रूव करना है। टाइम लिमिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वर्ड लिमिट, और ये ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप लोग शक्तिमान बन जाएंगे, नहीं, ये आराम आराम से आएगी। अब वो आराम आराम क्या है वो अब हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। आगे आप लोगों के सामने एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने दे रखा है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी, हमारी कंट्री की जो अर्थव्यवस्था है उसमें अलग अलग सेक्टर कौन से हैं, ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। ये क्वेश्चन नहीं, आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहीं आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग एक छोटा सा क्वेश्चन लिखने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा था ना ये 4 साइज शीट ले लेना, तो उसमें छोटा सा क्वेश्चन लिखने की कोशिश कीजिए। अपने पेरेंट्स के बारे में आप लोग 150 शब्द लिखने की कोशिश करो। अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं आप लोग 150 शब्द लिखें, भले आप लोग अपने पेरेंट्स के पास में डेली रहते हो, भले उनसे बात करते हो, पर लेकिन जब मैं आप लोगों को बोलूंगा 150 शब्द लिखकर देखो अपने पेरेंट्स के बारे में, तो आप लोगों को उसके बारे में सोचना पड़ेगा एग्जैक्टली, आप लोगों को तभी समझ में नहीं आएगा। रीजन क्या है इसका, रीजन ये है क्योंकि आप लोगों की जो आप लोगों का राइटिंग है और जो आप लोगों के थॉट है उनमें एक तरीके से सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, यानी कि वो एक दूसरे के साथ में नहीं चलते हैं। ये आप लोग एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस वीडियो के बाद में ये एक्सपेरिमेंट कर देख सकते हैं। अपने पेरेंट्स के बारे में आप लोगों को 150 शब्द लिखने हैं, अब वो अच्छे लिखने हैं बुरे लिखने हैं वो आप लोग खुद डिसाइड कर लेना, पर 150 शब्द आप लोगों को लिखने हैं।
उसके बाद में आप लोग ये बात समझ पाएंगे जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं। ये बात यहां पर यह है कि देखिए, जैसे ही आप लोग स्टार्टिंग में आंसर राइटिंग करते हैं ना, तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग बीच बीच में भूल जाते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये, आप लोग की राइटिंग जो है आप लोग के थॉट के साथ में मैच नहीं कर पाती है। और कला क्या होती है? कला वो होती है, अगर आप लोगों से बोले डांस करना है तो गाने की हर एक ट्यून पे कैसे थिरकना है वो आप लोगों को तब आएगा जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो ये कैसे सिंक्रोनाइजेशन आप लोगों को इसके बीच में करना है, तो ये आप लोगों की प्रैक्टिस से आएगा। और प्रैक्टिस आप लोग डे बाय डे करेंगे तभी आप लोग इसमें परफेक्ट हो पाएंगे। तो इसी के लिए मैं यहां पर आप लोगों के सामने बात करने वाला हूं। जैसे कि आप लोगों के सामने यहां पर ये क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी। तो ये मैंने आप लोगों को बहुत बार पढ़ाया है, तो वैसे तो अगर देखें आप लोग, अगर मैं बोलूं इसके बारे में आप लोग कुछ लिखना है तो आप लोग इसके ऊपर एक ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 से 1200 शब्द का, ठीक है। वैसे अगर आप लोगों को बोलूं कि इसका आंसर आप लोगों को 150 शब्द में देना है, तो फिर आप लोगों के पास में एक कला होनी चाहिए कि 150 शब्द में कैसे समेटना है। अगर मैं बोलूं कि इसको 250 शब्द में आप लोगों को समेटना है, तो 250 शब्द में आप लोगों को कला पता होनी चाहिए कि कैसे समेटना है। इसका मतलब यह है कि जो कंटेंट है वो कैसे इफेक्टिवली आप लोगों को यूटिलाइज करना है, तो वो आप लोगों को यहां पर पता चलना चाहिए। और वो कैसे पता चलेगा? वो प्रैक्टिस से पता चलेगा। तो इसके बारे में मैं अभी बात करूंगा। अब हम लोग यहां से फेज मैनर में चलेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर ये आप लोगों को बात की गई इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को मैं आगे बताऊंगा आप लोग कैसे लिखना है। पहले आप लोग ये समझिए कि आप लोगों को अब स्टार्ट कैसे करना है आंसर, यानी कि किस तरीके से आप लोगों को बढ़ना है यहां से आगे। अब यहां से बिल्कुल बेसिक चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो कि आप लोगों को फॉलो करके चलनी है, और ये फॉलो करके चलेंगे तो कुछ दिनों में ही आप ऐसे जोन में पहुंच जाएंगे कि आप लोगों को लगेगा रियलिटी में यार बहुत फायदा हो रहा है, और ये किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद महसूस करने लगोगे। नेक्स्ट जो यहां पर मैं आप लोगों को पॉइंट बताने जा रहा हूं, ये आप लोगों को फेज में देखने को मिलेगा, यानी कि मैं यहां पर आप लोग कुछ फेजेस बताऊंगा, इन फेजेस में को आप लोगों को होकर गुजरना है। जैसे आप लोग पहले आप लोग क्या करते हैं, पहले आप लोग प्राइमरी एजुकेशन लेते हैं, फिर आप लोग आगे चलकर फिर सेकेंडरी में पहुंचते हैं, फिर आप लोग हायर एजुकेशन में जाते हैं। तो कुछ ऐसी फेज में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आंसर राइटिंग की प्राइमरी एजुकेशन में आप लोगों को देने वाला हूं, तो इसको मैं फेज फर्स्ट बोलूंगा। फेज फर्स्ट जो है उसमें आप लोगों को क्या करना है, उसमें आप लोगों को बिल्कुल ऐसे रहना है जैसे बच्चे को खेल देते हैं ना कि बच्चे खेलो, कि आप लोगों के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। तो फेज फर्स्ट में आप लोगों के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़िए केयरफुली, आराम से क्वेश्चन को रीड कीजिए, और रीड करने के बाद में आप लोग क्या करना है, कोई वर्ड की बाउंडेशन नहीं रखनी है, यानी कि कितने शब्द लिखने हैं उसकी कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। दूसरा, कोई टाइम की लिमिट नहीं होनी चाहिए, ये उनके लिए बता रहा हूं जिसने आज तक कोई आंसर नहीं लिखा है। तीसरा, आप लोग क्या कर रहे हैं, कहीं से भी आप लोग चीटिंग कर सकते हैं, यानी कि गूगल का यूज कर लीजिए। मैं आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ाता हूं, न्यूज़पेपर से आप लोग अपने पॉइंट उठा लीजिए, कहीं से भी आप लोग कुछ भी देखिए आप लोग अपने पॉइंट इकट्ठे कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, विकिपीडिया कर लीजिए, न्यूज़पेपर से उठा लीजिए, जहां से भी आप लोग उठा सकते हैं वो सारे पॉइंट्स आप लोग एक जगह इकट्ठे कर रख लीजिए, ठीक है। यानी कि आप लोग अपने पॉइंट जो है उनको इकट्ठा कर लीजिए, फिर क्या करना है, उनको आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन सा पॉइंट आप लोगों को किस पैराग्राफ में लिखना है, और उसके बाद में आप लोग आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए। यानी कि जैसे मैंने आप लोगों से यहां पर ये क्वेश्चन पूछा था, इसी को देखे आप लोग तब अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा है, तो डिफरेंट सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी, तो आप लोग क्या कीजिए, पहले तो आप लोग डिफरेंट सेक्टर जाकर सर्च कीजिए इंडियन इकोनॉमी के क्या है। तो आप लोगों को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तीन सेक्टर आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर आप लोग देखिए ये सेक्टर में आता क्या क्या है, इसमें सेक्टर में क्या आता है, इसमें तो भैया एग्रीकल्चर आता है, रॉ मटेरियल आता है, इसमें क्या आता है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी आता है, इसमें क्या आता है, इसमें सर्विस सेक्टर आता है। तो फिर आप लोग उनके बारे में पढ़िए, तो उनके बारे में आप लोग पॉइंट इकट्ठा कीजिए, ठीक है। बात किसकी चल रही है, बात चल रही है इंडियन इकोनॉमी की। तो जब ये डिफरेंट सेक्टर की बात की जा रही है और इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर की बात की जा रही है, तो इसका मतलब इन सेक्टर्स का कुछ ना कुछ इंपैक्ट भी होगा इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। तो उन सेक्टर का इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट है, फिर आप लोग वो चेक कीजिए कि क्या इंपैक्ट इसका इंडियन इकोनॉमी पर पड़ रहा है। अगर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है तो वो क्या है, और नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है तो वो क्या है। अगर कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है तो फिर उसका सॉल्यूशन क्या है, वो आप लोग चेक कीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आप लोग करना है। यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लीजिए, इस क्वेश्चन में आप लोगों के सामने ना तो कोई बाउंडेशन है टाइम की, ना कोई बाउंडेशन है शब्द की, और आप लोग आराम से पूरा दिन भी लेकर अगर लिखना चाहते हैं ना स्टार्टिंग में, 8-10 दिन एक हफ्ते तक आप लोग पूरा दिन लीजिए, पर लेकिन लिखना स्टार्ट कीजिए। देखिए स्टार्टिंग में आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा, स्टार्टिंग में आप लोगों के माइंड में शब्द ही नहीं आएंगे, स्टार्टिंग में आप लोगों को ये लगेगा जैसे गाड़ी नहीं फंस जाती है कहीं पर किसी गड्ढे में और वो चक्कर घूमता रहता है घूं घूं करके और वो निकलती नहीं है, वो कंडीशन आप लोगों की होगी। और ये फील की है मैंने भी, क्योंकि कोई भी इंसान माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, अगर कोई भी किसी पोजिशन पर पहुंचा है तो वो यहीं से ही पहुंचा है। तो ये आप लोगों को स्टार्टिंग से ये चीज फील करनी पड़ेगी और इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो कैसे हो गया, यहां पर पहले आप लोगों को सेक्टर के बारे में पता होना चाहिए, तो एक डेफिनेशन देंगे आप लोग इंडियन इकोनॉमी के जो सेक्टर है
ऐसा तो है नहीं आप लोग बोल देंगे बस तीन सेक्टर है और आगे बढ़ जाएंगे, तो यहां तो बस फिर क्या करेगा वो इस तीन को ऐसे, ये तीन जो है इसको तीन को थोड़ा सा कैसे करेगा ऐसे और खोल सीखेगा और ऐसे मार्क्स दे देगा आप लोगों को, ठीक है। तो वो नहीं करना है, तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड करना है। ये आप लोगों का आंसर जब आप लोग लिख लेंगे ये आंसर, फिर आप लोग अपने आप इसको इवेल्युएट कीजिए, यानी कि अपने आप लोग इवेल्युएट कीजिए और देखिए कि क्या आप लोगों ने इसको सही लिखा है या फिर गलत लिखा है। देखिए आपका आपसे बेटर तरीके से इवेल्युएशन कोई दूसरा पर्सन नहीं कर सकता है, ठीक है। आप लोग खुद आप लोग जानते हैं कि आप लोग कहां क्या कर रहे हैं, कितना आप लोगों ने पढ़ा उस टॉपिक के बारे में, कहां पर कमी हो रही है, पेपर देके आप लोग खुद बता देंगे आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये आप लोग आराम से बता देंगे अगर आप लोग ढंग से अपने आप को जानते हैं तो, ठीक है। तो क्या करेंगे इस आंसर को फिर पढ़ेंगे आप लोग, तो ये इस तरीके से आप लोग एक तरीके से अपने आपको खुद को एनालाइज करना है और फिर देखिएगा आप लोग इसके बारे में और पढ़िएगा कि कहां कहां क्या क्या कमी रहेगी, कमियां और खामियां आप लोग ढूंढनी है। तो इस तरीके से ये जो फेज है आप लोगों का ये फर्स्ट फेज है जिसमें ना टाइम की बाउंडेशन है ना कुछ है आप लोगों के सामने, बस आप लोगों क्या करना है बस स्टार्ट करना है लिखना, ठीक है। इस फेज में आप लोगों को अगर आप लोग बिगिनर हैं तो लगभग दो से आप लोग तीन महीने इस फेज में रहिए, दो से तीन महीने मिनिमम इस फेज में रहिए। और अभी जिस जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं अभी बहुत टाइम आप लोगों के पास बचा हुआ है, अगर मान लीजिए आप लोगों के पास में आज से बस ओनली तीन महीने बचे हुए हैं तो आप लोग इस फेज में एक महीना भी रह सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में जब तीन महीने बचे हैं तो फिर आप लोग फेज को उसी तरीके से घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप लोगों को ये जो मैं आप लोग यहां पर बता रहा हूं ये अपने बेस पर आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोग किस लेवल पर है। अगर आप लोगों ने आज तक एक भी आंसर नहीं लिखा है तो आप लोग क्या है इस फेज में कम से कम तीन महीने तक रहिए। अगर आप लोग थोड़ी बहुत आंसर प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोग इसको दो महीने ला सकते हैं, पर लेकिन मिनिमम एक महीना तो आप लोगों को इस फेज में रहना ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आप लोग अपने आपको एक सही डायरेक्शन देना चाहते हैं। यानी कि आप लोगों को क्या क्या करना है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, कोई भी नहीं है, बस एक शानदार सा आंसर लिखना चाहिए जो कि टिप टॉप दिखे, तो ये काम आप लोगों को करना है। तो ये आप लोगों का फर्स्ट फेज हो गया, ठीक है। अब चलता हूं यहां पर आप लोगों के सामने सेकंड फेज के ऊपर, तो सेकंड फेज के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट फेज में एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, डेली कम से कम एक आंसर आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। अब सेकंड फेज पे आते हैं, सेकंड फेज आप लोग अब कैसे पता चलेगा कि आप लोग सेकंड फेज में आने के लिए तैयार हो गए हैं, तो देखिए सबसे आप लोगों को इवेल्युएट करने के कुछ पॉइंट है। जैसे अब आप लोग आंसर लिखेंगे ना तो आप लोगों के माइंड में पॉइंट जो है वो कुछ पॉइंट अपने आप आने लगेंगे, आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर लिखने में कंफ्यूजन कम होने लगेगा और इसी के साथ में आंसर लिखते टाइम जो टेंशन होती है वो टेंशन भी आप लोगों की थोड़ी सी कम होने लगेगी। जब ये सारी चीजें आप लोगों को फील होने लगे तो इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए अब आप लोग सेकंड फेज में आने के लिए तैयार हो चुके हैं। समझ रहे हो क्या क्या बोल रहा हूं, आप लोग उस टाइम पर अपने आंसर को फ्रेम कर पाएंगे, आप लोगों का लैंग्वेज के ऊपर भी कंट्रोल होने लगेगा कि हाँ क्या क्या शब्द मुझे यहां पर यूज करने हैं, तो तब आप लोग समझ लीजिए आप लोग एक सही फेज में आना स्टार्ट हो गए हैं। तो इसका मतलब सेकंड फेज में आप लोग चले जाइए। अब सेकंड फेज में आप लोग जाएंगे तो सेकंड फेज में आप लोगों को जो पहले वाला फेज है उससे आप लोगों को थोड़ा सा अपने आपको इंप्रूव कर देना है। यानी कि एक तो कोशिश करो कि टाइम थोड़ा फिक्स करना स्टार्ट कर दो। टाइम फिक्स का मतलब क्या है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि आप लोगों को यहां पर कहां पर आना है, आप लोगों को लगभग एक मिनट में 15 शब्द लिखने हैं, ठीक है ना, और एक मार्क्स के लिए 15 एक यहां पर 25 शब्द लिखने हैं और एक मार्क्स के लिए 15 शब्द लिखने हैं। तो इस तरीके से यानी कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को 6 मिनट में खत्म करना है और 150 शब्द में खत्म करना है। तो यहां पर अभी आप लोगों को बिल्कुल इस फ्रेम में नहीं आना है। अब आप लोग क्या कीजिए, आप लोग यहां पर जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है उसके लिए लगभग आप लोग यहां पर 6 मिनट लग रही है तो लगभग आप लोग यहां पर 12 मिनट ले लो। यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट है एग्जाम में, पहले में कोई टाइम लिमिट नहीं थी, एक घंटा लो, दो घंटे लो, तीन घंटे लो, यहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं उसका डबल टाइम जितना लगता है उस डबल टाइम पर आप लोग आ जाइए कि 6 मिनट का क्वेश्चन है तो 12 मिनट में आप लोग उसको लिखिए। और 150 शब्द अगर आप लोग को लिखने हैं तो आप लोग यहां पर जितना आप लोग कर सकते हैं, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, यानी कि लगभग 200 तक आप लोग जा सकते हैं इसमें, पर लेकिन इतना तो आप लोग लिखिए। तो यानी कि टाइम जो है आप लोग उसको थोड़ा सा फिक्स कर लीजिए, लगभग जितना आप लोग लिख रहे हैं उसका डबल टाइम आप लोग यहां पर लीजिए, यानी कि 12 मिनट में आप लोग अब क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप लोगों को लगे आप लोग 12 मिनट में क्वेश्चन लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब आप लोग सेकंड फेज में अब आ गए हैं। तो यहां से क्या करना है, आप लोगों को फिर से इंप्लीमेंट करना है और क्या होगा यहां पर, क्या क्या चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो चेंजेस मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे अब आप लोग जब यहां पर आएंगे ना तो लैंग्वेज के ऊपर आप लोगों को और अच्छी पकड़ होनी स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों को जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप लोगों की राइटिंग और आप लोगों के जो माइंड में जो शब्द आएंगे सिंक्रोनाइजेशन होने लगेगा, यानी कि आप लोगों के हाथ और आप लोगों का दिमाग साथ साथ में चलना स्टार्ट हो जाएंगे काफी हद तक, ठीक है। जब आप लोग यहां पर एक अच्छी कमांड आप लोगों के पास में होने लगे कि हाँ आप लोग ये यहां पर अच्छी कमांड आप लोग कर रहे हैं, शब्द भी आ रहे हैं, आप लोगों की स्पीड भी अब बढ़ रही है, तो सेकंड फेज में आप लोगों को डेली मेरे हिसाब से मिनिमम डेली आप लोगों को
चार क्वेश्चन कम से कम लिखने चाहिए सेकंड फेज में। चार क्वेश्चन किस लिए बोल रहा हूं, चार क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि चार आप लोगों के पेपर होते हैं, चार नहीं तो तीन तो मिनिमम आप लोगों को लिखने ही लिखने हैं। यानी कि ये वो फेज है जब आप लोगों के एग्जाम में लगभग दो या तीन महीने बचे हुए हैं, तीन महीने लगा लीजिए आप एग्जाम में, तीन महीने बचे हुए हैं तो उस टाइम पर आप लोगों को कम से कम तीन क्वेश्चन या चार क्वेश्चन डेली लिखने हैं क्योंकि चार पेपर होते हैं आप लोगों के, तो चारों पेपर का कम से कम एक क्वेश्चन आप लोगों को डेली लिखना है, ठीक है। या फिर एक तो लिखना ही था पहले से आप लोगों, मिनिमम दो से नीचे तो आप लोगों को आना ही नहीं है, अब आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा क्योंकि अगर आप लोगों की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है तो आप लोग इसको अपने आप ही डिसाइड कर सकते हैं। पर लेकिन मेरा तो एक स्टैंडर्ड सजेशन रहेगा कि हर एक एग्जाम से आप लोग एक एक आंसर लिखना स्टार्ट कर दो। और वीकेंड में कैसे, जिस तरीके से जब हम लोग न्यूज़पेपर डिस्कस करते हैं द हिंदू डेली, तो उसमें मैं वीकेंड में आप लोगों को एक निबंध देता हूं, ठीक है। तो वीकेंड में कैसे, तो आप लोग वहां से करते रहेंगे, बाकी खुद से भी आप लोग जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं वो तो आप लोग करनी है। अगर खुद से भी आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं और वो आंसर पोस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आप लोगों को लिंक भी प्रोवाइड करा देता हूं वीडियो के नीचे, तो उस पर जाकर आप लोग आंसर अपना पोस्ट कर सकते हैं, आंसर राइटिंग जहां पर हम लोग करते हैं, ठीक है। वैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में भी करते हैं, पर लेकिन वहां पर जाकर पोस्ट कीजिएगा तो आप लोगों को और बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे। तो ये दूसरा फेज आप लोगों का हो जाएगा। दूसरे फेज में आप लोगों क्या रहेगा, दूसरे फेज में आप लोग यहां पर एक तो टाइम थोड़ा सा बाउंड करना है आप लोगों और क्वेश्चन की संख्या थोड़ी बढ़ा देनी है, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का दूसरा फेज। तो अब यहां पर आप लोग दूसरे फेज में कंप्लीट हो चुके हैं। इस फेज में भी मिनिमम एक महीना रहना है आप लोगों और मैक्सिमम आप लोग तीन महीने रह सकते हैं। यानी कि एक तरीके से यहां पर बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है। एक तरीके से नौ महीने में बच्चा पैदा होता है, तो उस तरीके से आप लोग इसको ले सकते हैं। स्टार्टिंग के छह महीने हो चुके हैं बिल्कुल बिगनर के लिए, और अगर बात करें आप लोग एक अच्छे खासे लेवल पर हैं और एग्जाम का कम टाइम बचा है तो उसके दो महीने हो चुके हैं, तो उस तरीके से दोनों में आप लोग कंपेयर कर सकते हैं आप लोग कौन सी स्टेज पर है। देखिए बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, कोई बिगनर होगा कोई अच्छा खासा आंसर लिखने वाला होगा, तो मैं सबको काउंट करके चल रहा हूं यहां पर, ठीक है। कभी ये बोलने लगे कि सर पता नहीं क्या बता रहे हैं, बाद में आप लोगों को पूरा फ्रेमवर्क भी बताऊंगा कि पूरे फ्रेमवर्क में कैसे कैसे आपको अपने आपको उस ढांचे में आंसर ढालना है, वो भी अभी बताऊंगा आप लोगों को। तीसरी जो स्टेज होगी यहां पर, तीसरी स्टेज में अब आप लोगों के एग्जाम में जैसे आप लोगों का जैसे प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है, मेंस की तैयारी करते हैं, तो बस तीन महीने आप लोगों के पास में बचे हुए हैं, तीन महीने बचे हुए हैं आप लोगों के पास में। या फिर आप लोग अगर उस तीन महीने के बाद में ही मतलब या आप लोग उन तीन महीने में ही अगर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि आप लोग प्रीलिम्स के बाद में ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब तीन ही महीने बचे हुए हैं, तो आप लोग हर एक जोन को एक एक महीना दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब लास्ट का एक महीना बचा हुआ है, और या फिर आप लोगों के पास में अगर आज से देखें तो मतलब तीन महीने आप लोग लगा लीजिए आराम से, तो उस तरीके से आप लोग लेकर चलिए। अब यहां पर आप लोगों को अपने टाइम फ्रेमवर्क में आ जाना है, जैसा एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी के बेस पर उतने ही टाइम में उतने ही शब्द में आप लोगों को आंसर लिखना स्टार्ट कर देना है। स्टार्टिंग में आप लोग इस लेवल पर आ चुके होंगे अब यहां तक कि आप लोग की जो स्पीड है वो काफी बढ़ चुकी होगी, आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो चुकी होगी, राइटिंग भी आप लोगों की कम से कम ऐसी हो चुकी होगी कि लोग उसको पढ़ सकें। देखिए कोई नहीं पूछ रहा है आप लोगों से वहां पर आप लोगों को मोती जड़ने जाकर, नहीं, आप लोगों वहां पर जो आंसर है वो ऐसे लिखना है ताकि पढ़ सके सामने वाला, उसको अंडरस्टैंड आना चाहिए, अंडरस्टैंड होना चाहिए उस आंसर, ऐसा आप लोगों को लिखना है, ठीक है। और इसी के साथ में लैंग्वेज फिक्स हो चुकी होगी, स्पीड बढ़ चुकी होगी, टाइम के साथ में आप लोग अपने आप को सिंक्रोनाइज कर रहे होंगे, और अब आप लोग यहां पर अपने आप को एक ऐसे लेवल में पाएंगे कि आप लोग का जो दिमाग है और आप लोग का जो हाथ है वो साथ में चलेगा, क्वेश्चन पढ़ते आप लोग के माइंड में अब पॉइंट आने लगेंगे। ये फिर बोल रहा हूं, अगर अभी आप लोग अभी सुन रहे हैं ना तो अभी आप लोगों को ये लग रहा होगा कि पता नहीं क्या बातें बोली जा रही हैं, पर लेकिन ये वही इंसान समझ सकता है जो इसको प्रैक्टिस करेगा। जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे ना, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो में बोला था कि अगर आप लोग जो बोलूंगा वो इंप्लीमेंट करो तो आप लोग इस वीडियो को देखना, वरना वीडियो को बंद कर देना, वो शब्द मैंने इसीलिए बोले थे, ठीक है, उसका कुछ रीजन था। तो इसीलिए यहां पर बोल रहा हूं फिर से कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को उसको इंप्लीमेंट करके चलना है। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज में जब आप लोग आएंगे तो आप लोगों का माइंड जो है वो इसके साथ में सिंक्रोनाइज करना स्टार्ट कर देगा। अब आप लोगों को यहां पर मिनिमम 8 से 10 क्वेश्चन लिखने हैं डेली, और जब आप लोगों का एग्जाम का लगभग 15 दिन बच जाएंगे तब आप लोगों को पूरा पूरा पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देना है। यानी कि 15 दिन या एक महीना बच जाए, जब आप लोगों को पूरे जो 20-20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना इसकी डेट में एग्जाम में, तो फुल 3 घंटे का पूरे टाइम डिफाइन में आप लोगों को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है। तो ये तो आप लोग ऐसे ऐसे क्रम में आप लोग अपने आप को ढालना है। यहां पर आप लोग कुछ बातें याद रखिएगा, जैसे कि मैं आप लोगों को मैंने आप लोगों को अभी ये सीट दिखाई है, ठीक है, तो ऐसी जो सीट है आप लोग यहां पर मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा या फिर वीडियो के नीचे भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग ये ऐसी जो सीट है ना ये इसकी फोटोकॉपी करा लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके की सीट फोटोकॉपी करा लीजिए और उस पर ही आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अपने आप अपना आंसर आप लोगों को इवेल्युएट करना है, किसी के आंसर के ऊपर आप लोगों को डिपेंडेंट नहीं होना है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लोग खुद का अपना मॉडल बना पाएंगे
कि हाँ मुझे इंट्रोडक्शन इस तरीके का लिखना है, मुझे बॉडी जो है वो इस तरीके की लिखनी है, और उसके बाद में कंक्लूजन मुझे ऐसा देना है, कहां कहां पर कैसा डायग्राम यूज करना है, कहां पर मैप यूज करना है, ज्योग्राफी में बहुत यूज होता है मैप का, ये सारी चीजें भी आप लोग, ये आप लोगों को जस्ट जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, तो जैसे आप लोग एग्जाम पास में आएगा तो आप लोग ये ऐसा मॉडल तैयार कर देंगे, लगभग एक या डेढ़ लगभग एक मतलब लगभग मेरे हिसाब से 15-20 दिन पहले आप लोग का ये मॉडल तैयार हो जाएगा, क्योंकि आप लोग इतनी प्रैक्टिस कर चुके होंगे कि आप लोग एग्जाम में अब सोचना नहीं पड़ेगा, एकदम जैसे आप लोग के सामने क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आंसर लिख डालेंगे। तो ये आप लोगों को फेज मैनर में आप लोगों को करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे लिखना है। जैसे आप लोगों के सामने आ गया कि डिफरेंट सेक्टर क्या है इंडियन इकोनॉमी के, तो सबसे पहले तो आप लोगों के माइंड में डिफरेंट सेक्टर है, तो आप लोगों को एक छोटी सी एक शानदार सी डेफिनेशन लिखनी है। तो सबसे पहले आप लोगों को स्टार्ट कहां से करना है, आंसर लिखना कहां से इंसान करना है, तो आंसर में आप लोगों को लिखना है कि इंडियन इकोनॉमी कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। ये तीन बातें लिखने के बाद में आप लोग क्या करेंगे, इसके बाद में आप लोग इनको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि प्राइमरी सेक्टर क्या है। प्राइमरी सेक्टर बेसिकली रॉ मटेरियल वाला सेक्टर है, किस तरीके से यहां पर रॉ मटेरियल होता है, एग्रीकल्चर आप लोग उदाहरण दे सकते हैं, माइनिंग्स जो की जाती है उसका उदाहरण दे सकते हैं, उदाहरण जरूर दीजिएगा। फिर सेकेंडरी सेक्टर पे जाएंगे तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है हमारा, और हमारी कंट्री में इसी को लेकर मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है वो इसी से रिलेटेड है। फिर टर्शियरी सेक्टर में जाएंगे, सर्विस सेक्टर है, मैं आप लोगों को ये लेक्चर दे रहा हूं, ये सर्विस है, डॉक्टर एक सर्विस है, लॉयर एक सर्विस है, तो ये सर्विस सेक्टर हो गया। ये क्या रहेगा, ये जो स्किल वाले लोग रहेंगे वो यहां पर इस सेक्टर में बेसिकली आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर आप लोग क्या करेंगे, पहले आप लोग इनको बताएंगे तीन सेक्टर हैं, फिर तीन सेक्टर कौन से हैं आप लोग उनको डिफाइन करेंगे, इसमें कौन कौन से बेसिकली उदाहरण के साथ में आप लोग इसको समझाएंगे। फिर यहां पर बात की जा रही है, क्वेश्चन को पढ़िए ढंग से, क्वेश्चन का आप लोगों को कीवर्ड पकड़ने हैं। यहां पर बात की जा रही है डिफरेंट सेक्टर और इंडियन इकोनॉमी, तो इसका मतलब ये सेक्टर का इंडियन इकोनॉमी में कुछ रोल भी होगा, फिर ये सेक्टर इंडियन इकोनॉमी में क्या रोल प्ले कर रहे हैं तो आप लोगों को वो बताना है, यानी कि हमारी कंट्री की जीडीपी में इन सेक्टर का क्या क्या यहां पर बेसिकली ये सेक्टर क्या क्या प्रेजेंट हमारी कंट्री की जीडीपी में कर रहे हैं। आप लोग यहां पर डायग्राम यूज कर सकते हैं इस तरीके से कि ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं जरा सी देर में डायग्राम के थ्रू, अगर आप लोग लिखने में इंटरेस्ट नहीं लिख रहे हैं तो डायग्राम के थ्रू बता दीजिए कि ये हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है इन सेक्टर का हमारी कंट्री में, ठीक है, सर्विस का, यह इंडस्ट्री का, यह एग्रीकल्चर या फिर आप लोग प्राइमरी सेक्टर बोल सकते हैं, उसका यह कॉन्ट्रीब्यूशन है, एक डायग्राम लिखो और साइड में करो। फिर यहां पर आप लोग देख सकते हैं अगर रीजन की बात की जाए कि यहां पर अगर किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन कम है तो वो क्यों है और किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है तो वो क्यों है, इसके लिए आप लोग यहां पर उदाहरण दे सकते हैं, इसके लिए बता सकते हैं कि हमारी कंट्री में जो आज की डेट में जो कॉन्ट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है वो आप लोगों को ज्यादा नजर आ रहा है, एग्रीकल्चर का कम आ रहा है, क्योंकि ज्यादा फोकस नहीं दिया जा रहा है एग्रीकल्चर के ऊपर। अगर आप लोग ढंग से देखेंगे सर्विस सेक्टर जब से आईटी बूम आया बहुत लार्ज स्केल पर बढ़ता हुआ जा रहा है, और इंडस्ट्री तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट अब आके स्टार्ट हुए हैं, वरना यहां पर कोई काम ही नहीं है। चाइना का उदाहरण देकर समझा सकते हैं कि चाइना का स्ट्रॉन्ग सेक्टर माना जाता है यहां पर कौन सा, यह है इंडस्ट्री सेक्टर, मेड इन चाइना के जो प्रोडक्ट है वो हर जगह आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको उदाहरण दे देकर समझा सकते हैं। फिर लिमिटेशन क्या क्या है और उसके क्या क्या सॉल्यूशन यहां पर हो सकते हैं, फिर आप लोग वो बताइए, यानी कि एट द एंड ऑफ द डे जब आप लोग कंक्लूजन लिखेंगे तो कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए कि एग्रीकल्चर को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, तो जो किसान है उनके लिए हम लोगों को प्रोडक्टिव सोचना पड़ेगा, जैसे कि किसानों का लोन माफ करते हैं ना, तो लोन माफ न कर उनको इतना कैपेबल बनाओ ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, यानी कि उनको इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराओ, अच्छे सीड बीज प्रोवाइड कराओ, सोयल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करा रहे हो, सिंचाई की फैसिलिटी अच्छी प्रोवाइड कराओ उनको, जब उनका प्रोडक्ट मार्केट से निकल कर आता है तो उनके प्रोडक्ट को मार्केट के साथ, जब उनका प्रोडक्ट खेतों से निकल के आता है तो मार्केट तक उनके प्रोडक्ट को पहुंचाओ। तो इस तरीके से लिमिटेशन के सॉल्यूशन आप लोग बताइए फिर यहां पर, यानी कि एक तरीके से सजेशन भी आप लोगों को देने हैं, वो आप लोग एक फ्यूचर में एक ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं तो वो आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा है इंसान कि हाँ आप लोग चीजों को ढंग से जानते हैं, अपनी इकोनॉमी को समझते हैं, तो इस तरीके से आप लोग यहां पर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये बेसिकली कंप्लीट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। तो ये जो आंसर है अगर आप लोगों से 150 शब्द में बोले तो 150 शब्द में आप लोगों को ढालना है इसको, और इसी तरीके से अगर ये आप लोगों को 1000 शब्द में अगर ऐसे लिखने के लिए बोले तो उसमें आप लोगों को ढालना है। अब ये कला आप लोगों को ऐसे आएगी जैसे मैंने आप लोगों को तीन फेज बताए हैं, वो तीन फेज आप लोगों को ऐसा इंसान बना देंगे कि आप लोग अपने आप समझ जाएंगे कि यहां पर हम लोगों को क्या करना है, ठीक है। एक जाते जाते एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर इस एग्जाम को आप लोग क्लियर करना चाहते हैं तो देखिए ये 7 पेपर आप लोगों के होते हैं, 7 पेपर होते हैं यहां पर 1750 मार्क्स के, तो 250-250 नंबर के पेपर होते हैं और इसी के साथ में 3-3 घंटे का आप लोगों के पास में टाइम होता है। तो ये समझ लीजिए कि प्रीलिम्स क्लियर कर आप लोग बैठ भी जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप लोग अपने आप को यहां पर नहीं ढालेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स के मार्क्स कहीं पर भी आप लोग काउंट नहीं हो रहे हैं। तो ये जो है सबसे क्रूशियल सेक्टर है, ये डिसाइड करेगा कि आप लोग कहां पर जाने वाले हैं और कहां पर रुकने वाले हैं। तो ये आप लोग अच्छे से इसको अपना जो भी आप लोगों को यहां पर आंसर राइटिंग करनी है वो सारी आप लोग सिस्टमेटिक वे में करके चलिए, तभी आप लोग एट द एंड ऑफ द डे अपना मेरिट लिस्ट में नाम ले पाएंगे। देखिए हर एक इंसान कहीं ना कहीं रुक जाता है, कोई प्रैक्टिस में रुक जाता है, कोई प्रीलिम्स के ऊपर फोकस
देता है, सारी फेज की तैयारी एक साथ करनी है। आप लोग बेसिकली मेरे हिसाब से तो मेंस की तैयारी कीजिए, प्रीलिम्स की तैयारी अपने आप लोगों की हो जाएगी, क्योंकि आप लोग जैसे एडिटोरियल में पढ़ाता हूं या आप लोग प्रैक्टिस करते हैं उसमें बीच बीच में बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो प्रीलिम्स में आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी। बस पुराने क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग प्रीलिम्स के बीच बीच में, वीक में एक टेस्ट लगा लिया उस तरीके से चलते रहिए। जब एक महीना बच जाएगा प्रीलिम्स आने का उस टाइम पर आप लोग उसको सब कुछ चीजें छोड़ के साइड में एक महीना पूरा प्रीलिम्स पर दे दीजिए। स्टार्टिंग में एक एक क्वेश्चन लगाइए, एक एक पेपर लगाइए, फिर जैसे ही 10 दिन बच जाते हैं 15 दिन फिर दो दो क्वेश्चन पेपर लगाने स्टार्ट कर दिए। तो इस तरीके से आप लोग अपनी प्रॉपर वे में स्टडी करनी पड़ेगी। और इन सब के ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि आप लोगों को सी सेट कैसे कवर करना है, कैसे आप लोगों को कितने टाइम में अपना आप लोगों को प्रीलिम्स कवर करना है, उसके लिए सारी वीडियो बन चुकी है आप लोगों की। तो आप लोग जाकर सर्च कर सकते हैं सारी, या फिर इसके नीचे भी मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा 2020 की तैयारी कैसे, जैसे आने वाले एग्जाम में आप लोग कैसे तैयारी करनी है, वो सारे जो लिंक है उस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप लोग बिगिनर है चाहते हैं कि तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है वो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट वीडियो, आई होप कि आप लोगों को जो चीज आप लोग जानना चाह रहे थे उससे आप लोगों को फायदा मिला होगा। तीन फेज जो बताए हैं वो तीन फेज आप लोग इंप्लीमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि वही आप लोगों को मुकाम तक पहुंचाएंगे, मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो ये था जो मुझे आप लोगों को बताना था। बाकी जो भी मैं लेक्चर लेता हूं कि पीडीएफ आप लोगों को यहां पर मिल जाती है। इसी के साथ में अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे है तो मेरे साथ यहां भी कनेक्ट हो सकते हैं, और आप लोग अगर फेसबुक पे है तो वहां भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये भी सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। अगर आप लोग यहां पर चैनल को ज्वाइन करते हैं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलता कई बार वीडियो का, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, एकदम यहां पर चीजें पोस्ट कर दी जाती हैं, आसानी से आप लोग तक सारी चीजें पहुंच जाएंगी। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आते तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है, पर लेकिन डिसलाइक क्यों किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और चीजों को शेयर करना मत भूलना, ताकि और जिस भी बच्चे को यहां पर कंफ्यूजन है सारी चीजों से रिलेटेड, अगर आप लोगों को फायदा हो रहा है तो उसको भी फायदा होगा जिसको आप लोग शेयर करेंगे, अगर आप लोगों को फायदा नहीं हुआ है तो बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ के एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।